सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि नेचुरल प्लस नेचुरल, नेचुरल प्लस नेचुरल, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो किस टाइप का नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए नेचुरल नंबर कैसे होंगे, 1, 2, 3 ऐसे कुछ नंबर होंगे, ये भी कोई नंबर होगा तो वो इसी टाइप का होगा, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, यानी कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है दैट इज 1, तो जो भी नेचुरल नंबर होगा वो एटलीस्ट 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, यानी कि इन दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को, कुछ भी हो सकते हैं हमने कुछ वैल्यू नहीं लिखी है, इन दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करके मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्या आएगी, 2 आएगी। और ये बात देखिए सबके डेनोमिनेटर में क्या है, 1 है, सबके डेनोमिनेटर में 1 है, तो अगर इन दोनों नंबर्स जो भी हैं ये इनके डेनोमिनेटर में अगर 1 है तो इनका जो आंसर होगा ऐड करके उसके डेनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 होगा, समझ में आया, क्या होगा, 1 होगा, तो वो जो नंबर होगा वो एटलीस्ट क्या होगा, एटलीस्ट 2 होगा, सबसे छोटा नंबर एटलीस्ट 2 होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इनके डेनोमिनेटर में मतलब इनका जो डेनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, यानी कि एटलीस्ट 2 होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा और डेनोमिनेटर 1 होगा, यानी कि वो क्या होने वाला है, नेचुरल नंबर होगा। अब आपका होगा कि होल नंबर भी तो हो सकता है, हाँ होल भी होगा, मना कौन कर रहा है, लेकिन बस हम ये देखने कि क्या दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करके हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है या नहीं, तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा। अब इसके एग्जांपल में अगर आपको कराऊं, देखो एग्जांपल 2+3, 7+2, 7+11 ये सारे नंबर देखो 5, 9, 18 या 1+1 कर दूं 2, तो देखो सारे क्या है, पॉजिटिव है और सबके डेनोमिनेटर में क्या है, 1 है, समझ में आया, सबके डेनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो ये सारे नंबर्स दिख कैसे रहे, नेचुरली तो हैं, आप कह सकते हो होल भी है इंटीजर में है, बिल्कुल है, होल और इंटीजर तो है ही, अगर नेचुरल अगर वो हो गया, ये पिछले लेक्चर से बात आपको याद होगी, अगर वो नेचुरल हो गया तो वो होल तो वैसे भी होना है, समझ में आ गया, और वो इंटीजर भी वैसे होना है और रैशनल भी होना है, बट हम देख रहे हैं क्या नेचुरल प्लस नेचुरल को ऐड करके जो नंबर आएगा किस टाइप का होगा, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, क्या होगा, नेचुरल नंबर, अगर वो नेचुरल हो गया तो फिर वो होल भी होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, स्टेटमेंट्स भी कराए थे, ठीक है, वो होल भी होगा, इंटीजर भी होगा अगर वो नेचुरल है, और वो रैशनल भी होगा और रियल भी होगा, ठीक है, लेकिन नेचुरल प्लस नेचुरल, नेचुरल तो होगा ही, हमेशा नेचुरल होगा, ओके। अच्छा अभी तो देखो ध्यान से, क्या नेचुरल माइनस नेचुरल, क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस, किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा नेचुरल होगा, हमेशा नेचुरल होगा, नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा अब क्यों नहीं होगा, देखो एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये है 2-3, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को माइनस करके आंसर क्या है, -1, क्या नेचुरल है, नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा 7-7, 7-7 आंसर क्या है, 0, क्या नेचुरल है, नहीं, जबकि 7 और 7 ये दोनों सेम नेचुरल नंबर है नेचुरली, राइट, तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमेशा क्या नेचुरल रहेगा नंबर, नहीं रहेगा, हमेशा नेचुरल नहीं रहेगा, समझ में आ गई, नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये क्या रहेगा, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यहां पे नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो एक बात बताओ ऑलवेज क्या रहेगा, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, देखो नेगेटिव वैल्यू भी आ रही, जीरो भी आ रही है, ऑलवेज क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, क्यों, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, यहीं से देखो दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके सबके डेनोमिनेटर क्या है, 1 है ना, तो जब भी कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनके डेनोमिनेटर 1 है तो आप उनको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, ध्यान से सुनना, कोई भी दो नंबर्स जिनके दो या तीन कितने भी आप ले सकते हो जिनके डेनोमिनेटर 1 है उनको आप ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए या मल्टीप्लाई करिए, आंसर का डेनोमिनेटर हमेशा 1 रहेगा ना, तो ये बात तो पक्का है कि इसका जो आंसर आएगा उसका डेनोमिनेटर क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट। अच्छा आंसर किस किस टाइप के हो सकते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, जैसे कि आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आंसर नेगेटिव आएगा, दो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा, और अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर को
बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सबका डिनोमिनेटर क्या रहेगा? वन रहेगा। क्या रहेगा? वन रहेगा। तो इस टाइप के नंबर्स क्या रहेंगे आपके, बताइए? इंटीजर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? इंटीजर्स। ऑलवेज अ एन इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर। अच्छा, ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात को, ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा। देखो, ऐसी वाली सिचुएशन में ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा। कैसी सिचुएशन? जब आप किसी बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से? छोटे नंबर में से, तो वो ऑलवेज होल में नहीं लिखोगे, तो ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, नेचुरल माइनस नेचुरल इज नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर बट ऑलवेज एन इंटीजर। ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अच्छा अब देखिए, नेचुरल मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल, नेचुरल मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल। तो आप में से होशियार बच्चे जो ज्यादा सोच सकते हैं, वो आप क्या बताएंगे? देखिए, दो नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना नेचुरल नंबर्स, इधर और इधर जो भी नेचुरल है पॉजिटिव होगा, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। डेनोमिनेटर वन है ना दोनों का, तो आंसर का डेनोमिनेटर भी वन ही होगा। एटलीस्ट आंसर क्या होगा? सबसे छोटा आंसर क्या होगा? वन इंटू वन। एटलीस्ट आंसर क्या होगा? वन इंटू वन। तो एटलीस्ट आंसर क्या होने वाला है? वन। आंसर क्या होगा हमेशा? पॉजिटिव। और डेनोमिनेटर क्या होगा? वन। हमेशा डेनोमिनेटर क्या होगा? वन। तो ये इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल। तो ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर, नेचुरल मल्टीप्लाई बाय नेचुरल इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। क्या सिर्फ नेचुरल नंबर होगा? नहीं, अगर नेचुरल हो गया तो वो होल भी होगा, वो इंटीजर भी होगा, वो रैशनल भी होगा, वो रियल भी होगा। समझ में आ गया? ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यानी कि दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, प्राइमरीली हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। अगर वो नंबर कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर है, तो आप इतना समझदार बन चुके हैं वीडियोज लेक्चर्स देख के कि नेचुरल नंबर बाय डिफॉल्ट होल नंबर होते हैं, बाय डिफॉल्ट इंटीजर होते हैं, बाय डिफॉल्ट रैशनल नंबर होते हैं, बाय डिफॉल्ट मतलब वो रियल नंबर में भी आ ही जाते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही में सारा ये खेल चल रहा है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, नेचुरल डिवाइडेड बाय नेचुरल, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को अगर आप डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड करें। तो देखिए, ये ऐसा अगर आप एग्जांपल लें, जैसे कि ये लीजिए, आपने अगर एग्जांपल लिया 8/2, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, आंसर नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आपने ऐसा एग्जांपल ले लिया 2/8, तो 1/4, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर है। समझ में आ गई बात? तो नेचुरल डिवाइडेड बाय नेचुरल नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ऑलवेज क्या होगा बताओ? हमेशा वो नंबर किस टाइप का नंबर रहेगा? हिंट देता हूं थोड़ा, देखो, ठीक है, हमेशा वो नंबर किस टाइप का रहेगा? रैशनल नंबर रहेगा। क्या रहेगा? रैशनल नंबर, क्योंकि आंसर कुछ भी आ रहा है, आंसर कुछ भी आ रहा है, आप इंटीजर नहीं बोल सकते हमेशा। ठीक है, हमेशा वो क्या रहेगा? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या रहेगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझ में आया? किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें, ऐसे भी लिख सकते हो आप, नेचुरल अपॉन नेचुरल, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें, तो आंसर हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों नंबर्स खुद पॉजिटिव है ना, तो किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स को आप डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, और हमेशा जरूरी नहीं है कि इस टाइप का नंबर बने, हो सकता है एक एज अ ये नंबर भी बन सकता है। ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बनेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी रैशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स, 4 और 1, 1 और 4। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बातें पता रहनी चाहिए।